हाय फ्रेंड्स, स्क्रीन शॉट इमेज को कैसे एडिट करना है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो है इसको फोन से स्क्रीन शॉट किया था और ये एक सीट है, पास फेल का सीट है। तो इस सीट में मुझे जो है यहाँ पे एडिट करना है, जो भी फेल है इसकी जगह में जो है मुझे पास को प्लेस करना है। और यहाँ पे पास में देख सकते हैं सारा व्हाइट है, तो ये जो है सारा मार्क्स को हटा के इसको मुझे व्हाइट करना है। तो इस तरह का सीट अगर आपके पास है तो इसको आप एडिट कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और फ्रेंड्स वीडियो में देखिए जानकारी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके और पे क्लिक कीजिए ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस इमेज को आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन दिखेगा तो इस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखेगा तो कॉपी के में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और देन आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे स्टार्ट में। स्टार्ट में जाने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर को यहाँ से सर्च करना है जिसका नाम है पेंट। तो पेंट क्लिक के आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल और वी आगे प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा और यहाँ से आपको जूम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। और देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इस पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे टेक्निकल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक को गलत पर्पज या गलत कार्य के लिए यूज ना करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे सफेद करने के लिए क्या करना है, आपको माउस का कर्सर से कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन दिखेगा, तो डिलीट बटन को प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाइट हो चुका है। अगर आपका डॉक्यूमेंट का कलर अलग है तो उसके लिए आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे जो है आपको साड़ी को कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर करके आपको जो है यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस करते जाना, तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट का कलर अलग है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी कलर है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इतना कलर को मुझे लेना है, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कॉपी करना है, कंट्रोल से पेस्ट कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा। और आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लगाना है। जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा मुझे इसको फिल करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल बी से आपको एक बार और कंट्रोल भी करना, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लगाते जाऊंगा तो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आपका अगर डॉक्यूमेंट का कलर अलग है तो उस कलर को कॉपी करके आप पेस्ट करके कुछ इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे व्हाइट है तो मैं व्हाइट ही करूंगा, तो यहाँ पे साड़ी को मैं जो है यहाँ पे व्हाइट कर लूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं पास के बगल में यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ एफ दिख रहा है। तो मैं इस ई को कुछ इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करूंगा और कंट्रोल से पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ गया है। और इसको मैं जो है ई के बगल में यहाँ पे लगा दूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ई हो गया है। अब यहाँ पे जीरो दिख रहा है, तो यहाँ पे जीरो के जगह में मैं कुछ भी यहाँ पे वर्ड डाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे छह डालना है, तो ये छह को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल से कॉपी करूंगा, कंट्रोल से पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको जो है मैं यहाँ से आपके कीबोर्ड में लेफ्ट राइट और आपका उनका एरो बटन दिखेगा, तो उसको प्रेस करके आपको लाना है। और लाने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं ये भी सिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे फेल लिखा हुआ था, जो मुझे पास को यहाँ पे प्लेस करना है, तो इस जगह को मैं कुछ इस तरह से यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से कॉपी करूंगा, कंट्रोल से पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको मैं जो है यहाँ पे लगा दूंगा। तो कुछ इस तरह से जो है सारे डॉक्यूमेंट में आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद सेवेज का ऑप्शन दिखेगा, सेवेज में जाना है और यहाँ पे पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन को चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे आपको नाम दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं दे दूंगा पास डीओसीएस डॉक्स लिख के यहाँ पे नाम दे दिया और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लूंगा। तो ये सेव हो चुका है। और मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा दिखाया, आप यहाँ पे कुछ इस तरह से पूरा कर सकते हैं। और ये वाला है, इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, जो भी चेंजेस किया चेंजेस हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेंजेस किया था, ये डाला था, यहाँ पे छह डाला था, यहाँ पे पांच डाला था, यहाँ पे सारा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से जो है आप अपना डॉक्यूमेंट को स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगा होगा, जानकारी सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।